क्या जैन, कैसी कैसी मॉडल्स की फोटोज भेजे हैं, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। देखा, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं दोबारा फॉरेन से मॉडल बुला लूंगा। फिर तू बोलेगा कि मेरी एजेंसी की मॉडल्स को ट्राई नहीं किया। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है, ये अंडरवियर शूट है, कोई हॉट एंड सेक्सी मॉडल चाहिए मुझे, ये ऐसे मॉडल्स नहीं। यार ये टैप किया, मैं देखो अभी कॉल करता हूँ। टू मच इरिटेटिंग यार। यार बंद हो जा, अरे बंद हो जा, अरे यार। शर्मा जी, मुझे 15 दिन हो गए कंप्लेन किए हुए और अभी तक मेरा नल ठीक नहीं हुआ है। क्या मैं इसी बात की सिक्योरिटी देता हूं? आप मुझे बस ये बताओ, आज ठीक करवा पाओगे या नहीं? तो ठीक है, अगले साल से आप मुझे सिक्योरिटी के लिए मत बोलना। ओके, इरिटेट कर दिया है। अब लगता है मुझे प्राइवेट प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो, या एक्चुअली मुझे प्लम्बर चाहिए था। जी, क्या 15 मिनट में आ जाएगा? ठीक है, तो काफी अच्छा है। डन डन डन, ओके, थैंक यू। नमस्ते सर, मैं विजय। आपने कंप्लेंट लॉक कराई थी? ओ या कम है। थैंक यू सर। तो बताइए सर, कहाँ का डन करना है? ओह माय गॉड, तुम तो पूरे भीग गए। रुको, मैं टॉवल लेके आता हूँ। तुम तो कपड़े मुझे दे दो, मैं ड्रायर में डाल देता हूँ। कोई बात नहीं सर, ये सूख जाएंगे। अरे अपने आप कैसे सूख जाएंगे, लाओ अपने कपड़े। तो और ट्राउजर? ट्राउजर सर ठीक है, ठंडी लग जाएगी, दो ट्राउजर। नहीं सर, ये सूख जाएगा अपने आप। अरे अपने आप कैसे सूख जाएगा, लाओ दो। ठीक है सर। मॉडल से बता देता हूँ।
सुनो। जी सर। क्या नाम बताया तुमने? सर विजय। विजय ऊपर आ जाओ। सर ऊपर। अरे आओ ना। जी आ रहा हूँ सर। हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, ठीक है मैं बात करके देखता हूँ उससे। तुमने अभी तक अंडा भी पहना हुआ है? जी सर। ये तो गीला होगा ना? ये सर अपने आप सूख जाएगा। अपने आप कैसे सूख जाएगा? मैंने सुबह से कपड़े डाले हुए हैं, अभी तक नहीं सूखे, और तुम्हारा अंडा भी सूख जाएगा। सर आप मेरा गीला अंडा भी छूओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो मुझे कौन सा अपने हाथों से धोना है, ड्रायर में तो डालना है। ठीक है सर। अब देखो सर्दी बहुत है, तुम्हें ठंड लग रही है, उतारो। देखा मैंने कहा था ना सर्दी बहुत है, मैंने बोला ना जल्दी उतारो, जल्दी उतारो अंडा भी, ठंड लग जाएगी, जल्दी उतारो। मैं तुम्हें अंडा भी दे देता हूँ। मैं भी आया हूँ तुम्हारी कॉफी बना के लाता हूँ। थैंक यू सर। सर ये अजीबोगरीब अंडरवियर नहीं है? हाँ तो नॉर्मल थोड़ी है, ये इम्पोर्टेड है, इन्हें बड़े बड़े मॉडल्स पहनते हैं। ओह तुम ये वाला ट्राई करो। ये वाला? ओके सर। हाँ सर शायद ये मुझे फिट आ गया है। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा? रिमूव योर टॉवल ना। क्या अबे टॉवल नहीं उतारे हो तो पता कैसे लगेगा? जी जी शर्माओ मत, तुम्हें पता है तुम किसके घर का नल ठीक करने आए हो? मैं मॉडल्स को कास्ट करता हूँ, मॉडल्स जो महंगे महंगे कपड़े पहन के रैंप वॉक करते हैं, ज्वेलरी परफ्यूम का एडवर्टाइजिंग करते हैं। हाँ हाँ तो मैं तुम्हें इस अंडरवेयर में इसीलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम इसमें अच्छे लगे तो मैं तुम्हारे कुछ फोटोज क्लिक करूँगा और मैं एजेंसीज को सेंड कर दूंगा, और क्या पता उन्हें तुम पसंद आ जाओ, हो सकता है कि वो एजेंसीज तुम्हें सेलेक्ट कर लें और तुम एक मॉडल बन जाओ। ओके सर। वाओ यू आर लुकिंग सेक्सी, तुम किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे हो। रुको मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक कर लेता हूँ। जी थोड़ा मॉडलिंग वाला पोज दो ऐसे सर। ये हाँ चिन डाउन, इतना भी डाउन नहीं, थोड़ा सा डाउन। हाँ थोड़े से और पीछे जाओ। ठीक है या डन परफेक्ट। देखो देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो। बहुत सर मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो खुद को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। है ना? हाँ हाँ तो क्या कहते हो भेज दो इन फोटोज को। जी बिल्कुल। तो अगर ये लोग तुम्हें सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या तुम एग्री हो मॉडलिंग के लिए? हाँ सर मैं बिल्कुल एग्री हूँ, आखिर कौन भला अपने आपको न्यूज़पेपर मैगजीन टीवी और यूट्यूब पे नहीं देखना चाहेगा। और सर पता है आपको मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी सर। ओके जी वेट। हे ज़ैन हाउ आर यू? ग्रेट।
अच्छा, अपना जो वो वेडनेसडे वाला शो है उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कूल कूल। अच्छा, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर कुछ फोटो शेयर किए, जो अपना मालिक वाला शो है अंडरवे वाला, उसके लिए क्या एक ऑर्डर चलेगा? या क्या? अच्छा, मालदीव्स में शो नहीं होगा, लक्षद्वीप में होगा। ओके, वेल हमें क्या, हमें तो काम करने से मतलब है। या सो प्लीज जस्ट हैव अ लुक एंड लेट मी नो। या ओके बाय। सर, शूट के लिए मालदीव जाना होगा? अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी मुझे सिलेक्ट कर लेगी? वेल, उम्मीद तो है। वैसे जो मुझे एक बार पसंद आ जाता है उसे वो कभी फेल नहीं कर पाते। उप्स, मेरा कॉल। जैन, हे जैन। ओ ग्रेट, हाँ वो मेरे साथ ही है। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करके देख लेता हूँ। ओके, कांग्रेचुलेशंस, तुम सिलेक्ट कर लिए। थैंक यू सर। वेल, अब अगर तुम सिलेक्ट हो ही गए हो तो ये भी जान लो कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। जी बताइए सर। तो परसों तुम्हें मुंबई जाना होगा, वहाँ पे तुम्हारा ऑफिशियल फोटोशूट होगा। घबराओ मत, मैं भी तुम्हें साथ ही रहूँगा। अच्छा, तुम्हारा मुंबई में कोई रहता है? कोई बात नहीं, मेरा मुंबई में फ्लैट है तो तुम वहीं पर ही आ जाना। अब तो मुंबई आना जाना लगा ही रहेगा। अब इस शूट के बाद तुम्हें बहुत सारा काम मिलने वाला है तो तुम मुंबई में ही रहना पड़ेगा। तुम मेरे फ्लैट में ही शिफ्ट हो जाना, मुझे भी एक कंपनी मिल जाएगी। तुम्हें घूमना पसंद है? तुम्हारा पासपोर्ट है? कोई बात नहीं, मैं बनवा दूंगा। अब तो फॉरेन भी आना जाना लगा ही रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तुम मुझे अपनी आईडीज भेज दो क्योंकि मुझे तुम्हारा फ्लाइट टिकट बुक करवाना है। जी ओके। सर, लगता है मेरा कॉल आ रहा है, मैं सर अभी आया। सर वो घर से कॉल आ रहा है। हाँ शांति बोलो। अरे अभी काम पर है। क्या तुम चेहरा भी हो? लेकिन बोलो का तो एग्जाम चल रहा है ना, खत्म हो गया। और मोनो, तुम उसे अपने साथ लेकर आओगे तो उसका स्कूल नहीं छूटेगा? अच्छा छूट गए, हाँ ठीक है। लेकिन तुम तीनों बच्चा लोगों को लेकर शहर कैसे आओगी? तुम्हें तो पता ही है कि गुड़िया की बस में कितनी तबीयत खराब हो जाती है। गुड़िया? अरे भैया, ये पति नहीं है तो बाप भी निकला। अरे अगर हमें छुट्टी मिलती तो हम तुम्हें खुद ही लेने आ जाते। अरे हमका पता है कि तुम लोग शहर घूमने का कितना मन कर रहा है। तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, हम तुमको सीधा पड़का वाला शहर घुमाएंगे, और वो भी हवाई जहाज में। हाँ, अरे नहीं पगली, लैटरी नहीं लगी है। हाँ तुम ऐसा करो, तुम एक काम करो, तुम अपना, गोलू, मोनू और गुड़िया का, हाँ तीनों का हमें आईडी कार्ड व्हाट्सअप कर दो, जल्दी करो। हाँ तुमको बाद में बताते हैं सब कुछ। हाँ ठीक है, हम तुमको शाम को कॉल करते हैं, अभी रखते हैं। हाँ ठीक है। सर ये लीजिए मेरी आईडी, और थोड़ी देर में ना मेरी फैमिली की भी आईडी आ जाएंगी, तो आप उनका भी जहाज का टिकट बुक कर देना। तुम मैरिड हो? हाँ सर, और मेरे तो 3 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा मोनू वो 7th क्लास में है, छोटा बेटा गोलू वो 5th क्लास में, और हमारी सबसे छोटी बेटी गुड़िया वो 2nd क्लास में है। तुम्हारी एज क्या है? सर 22 साल। इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ? हाँ वो क्या है ना सर कि घर वालों ने 16 साल की उम्र में ही शादी करा दी थी। तो हाँ ये लीजिए सर, मेरी फैमिली की आईडी आ गई है, आप टिकट बुक कर दीजिए जल्दी से। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? मेरी अभी जैन से बात हुई, एक्चुअली हम मैरिड लोग को कास्ट नहीं करते हैं सर। क्या? लेकिन सर मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। देखो सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था, लेकिन सॉरी तुम मॉडल नहीं बन सकते। सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मेरा सपना था सर मॉडल बनने का। प्लीज़ सर कुछ तो कर सकते हैं ना सर। कंपनी की पॉलिसीज एंड ऑल, सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। कुछ तो कर दीजिए सर, प्लीज़।
देखो तुम मॉडल तो बन नहीं सके, प्लम्बर ही सही, तुम एक अच्छे प्लम्बर तो बन ही सकते हो। मेरा नल अभी तक बह रहा है, प्लीज उसको जाके ठीक कर दो। ठीक है सर। अच्छा सुनो, हाँ सर, ये अंडरवियर काफी ज्यादा कॉस्टली है, सो ठीक है सर, नल ठीक कर दो उसके बाद। मॉडल, प्लम्बर, प्लम्बर, मॉडल। एक्शन। हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, देखते हैं बात करके। ठीक है फिर मैं करता हूँ। रुको रुको, तुम जैसे देखोगे ना ऐसे उतरेगी सॉन्ग। अच्छा अच्छा, ये जैसे देख रहे हो। रुको रुको, हाँ तो बस जैसे, हाँ बस जैसे ही देखेगा ऐसे उतर जाएगी। और एकदम से आ जाया करो ना, मैंने बोला है एकदम से आना। रुको और मैं फिर पॉज हो जाऊँ दो मिनट। हाँ और शाम ऐसे रहेंगे, इधर उतर गए। ठीक है चलो जल्दी आओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। एक्शन। हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। उतरी नहीं। क्या करूँ सर, इसको हल्का ढीला ऐसे लटकाओ मत ना। अरे अपनी उंगली से ऐसे नहीं 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 बस ऐसे। हाँ एक्शन। हाँ हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। हाँ मैं करता हूँ। तुमने अभी तक अंडरवियर पहना हुआ? हाँ सर। तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना गहरा लग गया। तुम अच्छा आगे छोड़ोगे ना? टाइमिंग गलत होगी। है ना टाइमिंग? वही आदत चढ़ने में। फिर उसके बाद में वो ऐसे छूके बोलूँ कि इतना गीला सर ऐसे तो नहीं उतरेगा। मैं यूं आता हूँ, ठीक है? यूं आइए रखा हुआ है, ठीक है? मैं यूं आ गया ना, ऐसे आ गया चढ़ के, और यूं करके यूं करूँगा, यूं करके तो गिर जाएगी। तो जानबूझ के चढ़ रहे हैं, जानबूझ गिर रही है।